होगी बात बेटा जी। चाचा ओके बात। तुम फिक्र मत करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और कनाडा जाने से पहले मैं तुम्हें खुद वापस छोड़ कर आऊंगा। ये नहीं, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त भी करूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, ठीक है? आपका फोन। बहुत अच्छी। अम्मी आ भी जाए ना, देर हो रही है। आ गई बेटा आ गई। बस जल्दी। अच्छा देखो साबिर भाई, जो कुछ भी कहें खामोशी से सुन लेना, कोई बहस करने की जरूरत नहीं उनके साथ, समझ गए ना? हाँ, और एक और बात, देखो अभी तुम अरसला का बिल्कुल नाम ना लेना उनके सामने, सही है ना भाई? पहले माफी तलाफी हो जाए, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे रिश्ता जोड़ने की, ना? लो भला ये क्या बात हुई? असल मसला मेरी और अरसला की शादी का ना, और उसे वापस बुलाने का। वो भी वहां जाके बैठी गई, मुझे तो हैरत हो रही है उस पर भी। अच्छा ये बात है, तुम वहां लेके ना बैठ जाना, खुदा के लिए बता रही हूँ मैं। अच्छा नहीं करूंगा ना, चले आप। साबिर भाई मिठाई देके कितने खुश होंगे ना, बहुत पसंद है उन्हें मिठाई, लेकिन मिठाई के दाम तो तुम देखो। अरे ले आओ भाई, क्या कर रही हो? आ गई आ गई। इतनी देर हो गई? बस थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। भाई शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश तो की मैंने। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ठीक है बेटा, लाओ लाओ बेटा रखो। साबिर भाई आतिफ की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, इसीलिए ये मिठाई लेकर आई हूँ। ठीक है ठीक है, मुबारक हो तुम। वैसे ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? हमारे यहाँ तो मीठा रोज ही बनता है, कभी हलवा कभी जर्दा तो कभी खीर। साबित भाई अरसला क्या कराची में रहती? हाँ जाहिर है। मुदस्सर भाई बहुत ख्याल रखते हैं अरसला का, अपने घर से भी ज्यादा आराम है उसे वहां, इसीलिए तो हमें बेफिक्री है। ना तो सुनो, अब जब नौकरी मिली गई है तुम्हें तो दिल लगाकर काम करना, चार दिन में नौकरी छोड़कर मत बैठ जाना। नौजवान लड़के का पारिक बनना अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आतिफ आतिफ बात तो सुनो, चाय बनाई थी मेहनत से, वो तो पीकर चले जाओ ना। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, पहले भेज दिया उसे जबरदस्ती कराची और फिर ये नौकरी का ड्रामा। ये सारी प्लानिंग जो है ना तुम लोगों की पहले से ही थी, और तुमने भी नहीं बताया मुझे। नहीं आतिफ तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो नौकरी करने का फैसला अरसला का खुद का था,
उसने मुदस्सर चाचा से कहकर खुद अपनी नौकरी लगवाई है। वो अपने हालात से तंग आ चुकी थी, देखा नहीं था, सिलाइयों पे सिलाइयां कर रही थी, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं मिल रहे। पैसे पैसे पैसे, मुझे लगता है ये पैसे तुम लोगों के हवासों पे सवार हो चुके हैं, तुम साबिर खालू और वो अर्चला, वो तो सबसे ही आगे निकल, पैसा कमाने पहुंच गई कराची। वाह क्या बात है, बहुत तरक्की कर रहे हो ना तुम लोग। देखो अभी तुम जज्बाती हो, कुछ वक्त में तुम खुद समझ जाओगे कि कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अर्चला ही थी। उसका खुद का मुंतखब किया रास्ता ही है। मुझे जानती नहीं हो, तेरी मैं खाल उधेड़ दूंगी, निकालो मेरी चीज। सच्ची मैंने नहीं देखी, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने बिल्कुल बकवास करती है। मैंने खुद यहाँ साइड टेबल पर रखी थी अपने हाथों से। तुम लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग का इज्जत रास नहीं आती। तूने सोचा खाली घर है, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं हाथ की सफाई दिखा दूं? नहीं है सीरियस चाची, मैं वाकई मैंने नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो अर्चला आखिरी बार पूछ रही हूँ, साफ साफ बता दो, वरना जब पुलिस आएगी ना और तुझे एक दिन लॉकर में रखेगी ना, तेरे खाल उधेड़ेंगे ना, तब तो गिलेगी। बताओ। नहीं 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 बता, हट हरा, डेट की डेट बता दे। आया से सीना, देखो आतिफ अभी तुम जज्बाती हो गए, लेकिन कुछ वक्त में तुम खुद समझ जाओगे कि कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अर्चला है। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो वहां से चले आए। साबिर भाई की बातें बर्दाश्त करना आसान नहीं था। मुझे तो शहनाज पर हैरत होती है, उसे अर्चला के जाने का कोई गम नहीं, नया जोड़ा पहने ऐसे खुशखुर्रम बैठी थी। काया ही पलट गई है घर की और घर वालों की। लगता है अर्चला खूब पैसे कमा रही है वहां। शहनाज बता रही थी कि वो बहुत खुश है वहाँ, एसी वाला कमरा मिला हुआ है, नौकर है, चाकर है, उसने साफ मना कर दिया वापस आने से। शायद हम ही लोगों से गलत ही उसे पहचानने में। चलो बेटा अंदर आओ, आराम करो। खामोशी।
आराम तो बहुत मिलता है भाई, आपको हर चीज तैयार मिल जाती है। Exactly. यही है ना? ओके वेट, आई विल कॉल यू लेटर। हबीजिया, ये मुझे वहां जमीन पर पड़ी हुई मिली थी, मैंने उठाकर दराज में डाल दी और जल्दी में तुम्हें कह नहीं सका। तुम्हारी सख्त मिजाजी को मैं आज दिन तक बर्दाश्त करता आया हूँ हसीना, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम हर हद पार कर जाओगी। उस मासूम के ऊपर तुम्हें हाथ उठाते हुए जरा खौफ खुदा नहीं आया? Just relax. गलती तुम्हारी है, अगर तुम मुझे पहले से बता देते तो ये नौबत ही नहीं आती। अब खत्म करो इस किस्से को, और छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती। What the big issue? सुरैया, आपा से मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हमारी खुशहाली को देखकर साफ लग रहा था उनके चेहरे से कि वो जल रही हैं। अम्मा, वैसे खाला ने हमारी मदद तो बहुत की है। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी है उन्होंने हमेशा पैसे दिए, लेकिन एक भी पैसा कभी जिंदगी में वापस नहीं मांगा उन्होंने। हाँ तो क्या हुआ, बहन भाई एक दूसरे की मदद करते ही है, अगर उन्हें कभी जरूरत होगी तो हम भी मदद कर देंगे। वैसे अम्मा, खाला है बहुत अच्छी, और अब तो देखिए आतिफ की इतनी अच्छी नौकरी भी लग गई है, और अगर देखा जाए तो उनका घर हमसे अच्छा भी बहुत है। तो हमारी असला ने भी तो पूरा घर संभाला हुआ है, आतिफ से ज्यादा अच्छा कमाती है वो। अब मैं सोचती हूँ अच्छा ही हुआ तुम्हारे अब्बा ने रिश्ता खत्म कर दिया। आपकी सुई तो ना सिर्फ अरसला पर टिकी रहती है, आतिफ जैसे अच्छे लड़कों को अच्छी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आप देख लीजिएगा, एक दिन उसका एक अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा और हम सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह देखते रह जाएंगे। नईमा को तो मैं बहुत बेवकूफ समझती थी, लेकिन उसने बात बहुत पते की है। खाला ने आने का कहा है, तुम भी आना साथ। इंतजार करूंगा तुम्हें, इंतजार करूंगा मैं। अच्छा, बहुत अजीब होने लगी है वो आज की, अपने काम के आगे किसी को भी अहमियत नहीं देती। तो मैंने तुम्हारे जैसे फजूल निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। अर्चना, अर्चना रुको, अर्चना कहाँ जा रही हो? कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अर्चना ही थी, उसका खुद का मुंतखब किया रास्ता ही। आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, यहाँ क्यों बैठे? अगर कहीं जाने तो मैं छोड़ देता हूँ आपको, अब्बा को भी फैक्ट्री छोड़कर आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बाइक है ये। बाइक तो अच्छी है। गुड्डू यार, एक छोटा सा काम था तुमसे। जी बताएं। वो जो दरअसल चाचा है ना तुम लोगों के, उनका नंबर मिल सकता था? अर्चला भाजी से बात करेंगे, अब्बा को पता चला तो बहुत खफा होंगे, वो मंगनी खत्म कर दी उन्होंने। वैसे सच पूछे तो मुझे ही बहुत अफसोस है इस फैसले का। दरअसल चाचा का फोन उनके पास रहता है, घर का नंबर दे दूं? अर्चला बाजी उठा ले। हाँ यार प्लीज। नया लिया मोबाइल मैंने। अच्छा, नंबर लिखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार। कोई बात, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ओफोत अजीम, तुमसे कह तो रही हूँ जैसी कोई ढंग की मेड मिलेगी मैं तुम्हारे यहाँ रखवा दूंगी। हाँ, दो तीन लोगों से कहा हुआ है मैंने, देखो अब क्या होता है। अरसला, सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है, बाय, सी यू। अरसला, अरसला बेटा। जी बेटा, तुम अपनी जाने की तैयारी कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा और मैं अभी सीट कंफर्म करवाने जा रहा हूँ। ओफो, क्या जरूरत है वापस छोड़ने की, अच्छी भली तो सेट हो गई है। अरसला, तुम वापस जाना चाहोगी या नहीं? मुतसर आप भी ना इतनी सी बात का बतंगर बना देते हैं। अरे मैंने तुझे गुस्से में हल्का सा धक्का तो दिया था, अब इत्तेफाक की बात है, चोट लग गई तो। मुतसर चाचा, हसीना चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, मामूली सी चोट है, दो तीन दिन में ठीक हो जाएगी और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। ये क्या कह रही हो शहनाज, तुम्हारे जहन में ऐसा ख्याल कैसे आया? जाहिर है माँ हूँ, अपने बच्चों के मुतालिक तो सोचती रहती हूँ ना। देखिए, आतिफ से अच्छा रिश्ता हमें मिल ही नहीं सकता, हमारा देखा भाला लड़का है और फिर अपना जाती घर है, हमारी नईमा ऐश करेगी वहाँ। कहती तो तुम ठीक हो, क्या सुरैया और आतिफ मान जाएंगे? मेरा मतलब है कि अरसला के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद नईमा को कबूल कर लेंगे वो? सुरैया बाजी ने नईमा और अरसला में कभी कोई फर्क नहीं रखा, वो दोनों से ही बहुत मोहब्बत करती हैं। रहा सवाल आतिफ का, तो वक्त गुजरते साथ वो भी भूल जाएगा अरसला को। बस आप हर वक्त आतिफ के पीछे मत पड़े रहा करें, अच्छा लड़का है और नईमा भी अपने घर की हो जाएगी, हमारा कुछ तो बोझ हल्का होगा ना, खुश रहेंगे दोनों। अरसला, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? आतिफ, आतिफ तुमने यहां फोन क्यों किया है? मदरसे चाचा वगैरह क्या सोचेंगे, ये गलत है। क्या सोचेंगे वो, जो सोचते हैं ना वो सोचते रहे। उन्होंने तुम्हें सारी जिंदगी के लिए खरीद तो नहीं लिया ना अरसला, और तुम भी देखो कितने मजे से वहां जाके बैठी गई हो। तुमने नौकरी भी शुरू कर ली, तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। देखो अरसला, तुम अभी वापस आ जाओ, तो प्लीज फौरन वापस आ जाओ, फौरन। ये मैं तुमसे कह रहा हूं, देखो तुम जो भी कर रही हो ना, तुम वो छोड़ दो, वरना मैं समझूंगा कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, मैं वापस नहीं आना चाहती और तुम मुझे यहां फोन करना भी बंद करो, मैं यहाँ काम करने आई, पैसे कमाने। देखो अरसला, हम दोनों मिलके काम करेंगे, तुम्हारी जो भी जिम्मेदारी है ना वो मेरी है, मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। मेरी जिम्मेदारियां सिर्फ नहीं, वो मैं किसी के साथ बांट नहीं सकती,
तुम्हारे साथ नहीं। नईमा। जी अम्मा। कल तुम सुरैया आपा के घर चली जाना, तुम्हारे अब्बा या गुड्डू तुम्हें छोड़ आएंगे। क्यों अम्मा, खाला ने बुलाया है क्या? अरे नहीं भाई, कुछ हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। अरे वो बेचारे बीमार रहती हैं, जाके उनका हाथ बटा देना। और हाँ, जाते भी कोई नया जोड़ा पहन कर जाना। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या वो 2% की नौकरी मुझसे ज्यादा बढ़ के है तुम्हारी नजर में? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, हाँ या ना? मुझे अभी काम करना है और यहाँ बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। फिलहाल ये नौकरी और ये पैसे मेरे लिए बहुत है। मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी नजर में पैसों से बढ़कर किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है, न रिश्ते न मोहब्बत और ना ही मैं। ठीक है सुला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, इसके बाद हर गुंजाइश खत्म हो जाती है और हमारी मोहब्बत नहीं माँ। अरे बस भी करो, तुम क्या मेकअप के पीछे पड़ गई हो? आधे से ज्यादा दिन तो तुमने यहीं गुजार दिया, सुरैया आपा ने आधा काम निपटा लिया होगा। तो अच्छी बात है ना अम्मा कि मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है मुझसे ज्यादा काम हो भी नहीं पाता। वैसे सच बताऊं अम्मा, मैं तो जाना भी नहीं चाह रही, आपकी वजह से जा रही हूँ, क्योंकि आपने कहा था, वरना मैं बिल्कुल भी ना जाती, दिल नहीं है मेरा। अगर नहीं मानूंगी आपकी बात तो फिर आप कहेंगी कि मेरी बात नहीं मानती तुम। अच्छा अब चले भी जाओ, बस करो, ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करो। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मा अम्मा, वो जो गाजर का हलवा आपने रात में बनाया था वो आतिफ के लिए लेकर चली जाओ, उसको बहुत पसंद है। ले जाओ, लेकिन अपने अब्बा के लिए थोड़ा सा छोड़ जाना, वरना वो आके शोर मचाएंगे। हद हो गई अम्मा, पूरा हलवा अब्बा ने खाया है, अब थोड़ा सा बचा है वो मैं लेकर जाना चाह रही हूँ, उसमें भी आप मुझे कह रही हैं अब्बा का हिस्सा नहीं लेकर जा रही, उन्हीं को खिला दीजिएगा। आतिफ को बड़ा पसंद है। और बात सुनो, अकेले मत आना घर, आतिफ से कहना तुम्हें छोड़ के जाएगा। ठीक है, अगर रास्ते में मुझे गुड्डू मिला तो उसको साथ ले जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। कैसे दबा रही हो, इतना अच्छा खाने पीने को मिलता है, लेकिन तेरे अंदर तो जान ही नहीं है। सही से दबाओ। पूरे 30,000 रुपए महीना वसूल कर रहे हैं तेरे माँ बाप घर बैठे हुए, इतने पैसे तो एक साथ उन्होंने देखे भी नहीं होंगे। वाह भाई वाह, साबिर और शहनाज की लॉटरी निकल गई, किस्मत बदल गई इन दोनों की। वैसे हैरत की बात है, किसी ने कहा भी नहीं कि कोई तुझसे मिलना चाहता है। रहते होंगे, अगर तू वापस चली गई तो पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, घर बैठे सकून से 30,000 रुपए एंजॉय कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे। हाँ भाई, इतने सालों की भूख जो है आसानी से थोड़ी मिटेगी। अब रो क्यों रही है, टांगे दबाओ, हर बात पे रोना दबा।
क्यों लग रहा हो ना अपनी उम्र से 10-15 साल छोटा? तंदुरुस्ती क्या चीज है, जैसे सब कुछ भुला दिया था, जवानी कब आई कब गुजर गई। शुक्र है जो ये तंदुरुस्ती चली गई। ये सब मेरे अर्सला की बदौलत है, उसने हिम्मत बांधी तो हमारे घर के हालात भी बेहतर हो गए। कभी कभी तो बहुत याद आती है, इतने दिन हो गए उससे गए हुए, इतने दिनों में एक दफा भी नहीं उससे मुलाकात हुई। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की अभी। ये भी ना शुक्रापन है, उन लोगों को देखो जिनकी औलादें बेरोजगार फिर रही हैं सड़कों पर, घरों में फाके चल रहे हैं। हमारी बेटी भी बड़ी खुश नसीब है, इतने बड़े घर में, इतने बड़े शहर कराची में मजे से रह रही, और हमारी जिंदगी भी बदल दी है उसने। हाँ, ये तो है। शुक्रिया बेटा, शहनाज ने नहा के तुम्हें यहाँ भिजवाया, मैं तो सुबह सवेरे ही अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ। तुम तो उस वक्त तक सो के भी नहीं उठती होगी, पता है ना मुझे तुम्हारी आदत। अब ऐसी बात भी नहीं है खाला, आपको पता है अम्मी मुझे क्या कहती हैं? अम्मी कहती हैं कि मैं अर्सला से ज्यादा जल्दी घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ। उसका क्या है, वो तो बस एक कुर्सी पे बैठी रहती थी मशीन को लेकर। अर्सला तो हर काम बड़े सलीके बड़ी मेहनत से करती थी, उसका कोई काम टालने वाला नहीं होता था। मैं तो अल्लाह ताला से दिन रात यही दुआएं मांगती हूँ कि साबे भाई के दिल में नरमी आ जाए और अर्सला ही मेरे आतिफ की दुल्हन बने। अब ये देख लो, अगर साबिर भाई तुम्हें अर्सला की जगह कराची भेजते तो तुम रह लेती इतने दिन वहाँ? अल्लाह ना करे खाला, मैं भला क्यों कराची जाने लगी, मेरे दुश्मन जाएं कराची। हाँ ठीक कहा है तुम, जब इधर तुमने अर्सला को वहाँ भेज दिया। आतिफ क्या हाल, क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की उससे जो उसे दरबदर कर दिया यूं? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम लोगों का, उसको सबसे अलग कर दिया तुम लोगों ने? तुम खुद क्यों नहीं चली गई हो कराची? या खाला साबिर खालू गुड्डू हाथ पांव टूट गए थे तुम लोगों के या मजदूर हो गए थे? आतिफ क्या बदतमीजी है, नहीं मत इसमें क्या कसूर है बेटा, वो तो साबिर भाई का फैसला था, उन्होंने। खाला ये सिर्फ अब्बा का फैसला नहीं था, ये अर्सला का खुद का फैसला भी था। वो तो खुशी खुशी वहां गई है, उसका ख्वाब था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और बहुत सारे पैसे कमाए। मेरी बात सुन, उसके मुंह से खुद ये बात सुन के मुझे यकीन नहीं आया कि वो कराची में पैसे कमाना चाहती है, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी बात सुनता ही कौन है यहाँ? तुम्हारी बात हुई है अर्सला से, फोन करती है वो तुम्हें, सच बताओ आते। नहीं माँ बेटा, नहीं माँ बात सुनो, नहीं माँ। ये क्या हरकत है आती, इस तरह तुम अर्सला के लिए और मुश्किलात पैदा कर दोगे। गुड्डू जाके देखो तो बाहर कौन आया है। अरे क्या मुसीबत है, आ रहा हूँ।
किसी दिन ये दरवाजा टूटकर अलग हो जाएगा। अरे नहीं माँ, इतनी जल्दी आ गई और तुम अकेली आई हो, आतिफ कहाँ है? क्या हुआ है, चुप क्यों हो? खैरियत तो है? सब खैरियत ही तो नहीं है। आतिफ, तुम अपने खुद सबसे बड़े दुश्मन। हर दफा ऐसी बात क्यों करनी जरूरी होती है तुम्हें, जो अरसला को इस घर से और भी ज्यादा दूर कर दे? ऐसे तो बात नहीं बनेगी बेटा। ना बने, सारी जिंदगी ना बने, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपने काम के साथ भी जी सकता हूँ, लेकिन शौबर खालू के सारे खानदान से ना मुझे नफरत हो गई है। खत्म कर दे उनसे मिलना जुलना, आप समझ लें कि मर गई आपकी बहन, खत्म हुए ये सारे रिश्ते हमारी जिंदगी से। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो मुंह में आए बोल दे, किसी की परवाह किए बगैर। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी अरसला से हो या ना हो, मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ूंगी। सारी दुनिया में वही तो है मेरी सगी, मेरा अपना खून, मेरे माँ बाप की निशानी। खबरदार, खबरदार जो आएगा तुम्हारे मुंह से ऐसे कोई अल्फाज निकले। आप बहुत बोली अम्मी, शहनाज खाला इंतहाई लालची और खुदगर्ज औरत है। अरसला के पैसों का लालच पड़ चुका है उन्हें, देख नहीं रही हालात कैसे बदल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये सारे पैसे? साफ जाहिर है कि अरसला के भेजे हुए, सारा घर बैठ के ऐश कर रहा है। तुम्हारी ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि वो उनकी बेटी है, अपने माँ बाप के लिए जो जी चाहे करे, हमें इससे क्या, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? वो मेरी मंगेतर भी, ना तो मैं ये बात भूल सकता हूँ ना ही किसी और को भूलने दूंगा, और ये तो आप लिख के रख लें। बकवास है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन अरसला वहां मुदस्सर चाचा के घर पर बैठकर आतिफ से फोन पर बातें करती है। किसने कहा है तुमसे? खुद आतिफ ने, अरसला ने उससे कहा है कि वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है वहां पर, और कराची में वो खुद अपनी मर्जी से नौकरी कर रही है। बहुत गुस्से में था। अरे तो रहे गुस्से में, उसकी परवाह कौन करता है? देखा शहनाज, देखा हमारी बेटी कितनी समझदार निकली। अरे उसे एहसास है अपने घर के हालात का, उसने अपने बाप की मुश्किलात देखी हैं। शाबाश बेटा अरसला, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। आपको ये बात बुरी नहीं लग रही कि उसने आतिफ को वहां से बैठकर फोन किया और बातें की? अरे वो क्यों करेगी, ये खुद ही करता होगा आतिफ, इसीलिए तो उसने करारा सा जवाब दिया। ये मुदस्सर भाई का नंबर किसने दिया है उसको?